चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम एंड एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम, एट विच टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी, अच्छा 25 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताओ टेम्परेचर के साथ कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, होता है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है, ये रिलेशन होता है सबको पता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 ओम, 500 डिग्री सेल्सियस पे और 60 ओम है, तो रिलेशन क्या हम बनाएंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे या किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आर नॉट है, तो आर टी वन इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी 1 और दूसरा आर टी टू इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी 2, ठीक है। तो ये वैल्यू दी हुई है 20 ओम, ये वैल्यू दी हुई है 60 ओम, टेम्परेचर टी वन की वैल्यू 20 है और टी टू की वैल्यू 500 दी हुई है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को यहां सॉल्व करते हैं, 20 ओम इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू 20 और इस इक्वेशन से 60 ओम आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 500, इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन वन कह दो, इसको इक्वेशन टू कह दो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो 20 बाय 60 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 20 अपॉन आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू 500, आर नॉट से आर नॉट गया, 0 से 0 गया, ये 2 बाई 3 1 बाई 3 इक्वल टू होगा 1 प्लस 20 अल्फा अपॉन 1 प्लस 500 इंटू अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर इधर, तो 1 प्लस 500 अल्फा इज इक्वल टू 3 इंटू 60 इंटू अल्फा, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो 500 अल्फा माइनस 60 इज इक्वल टू 2 होगा, ये 60 अल्फा है तो ये हो जाएगा 440 अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यही लिख देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई 440 1 बाई 220, अल्फा की वैल्यू आ गई, अच्छा अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, किस टेम्परेचर पे 25 होगा, तो फिर से आर टी थ्री इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी 3 करेंगे, तो हम इसके साथ इसका रिलेशन ले लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इन दोनों को यहाँ कर देते हैं, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है पहला, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लिख लेते हैं कितना, 25 इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी 3, अल्फा की वैल्यू अब हमको पता है, तो हम यहाँ रख के ये थर्ड इक्वेशन इसको कह देते हैं, थर्ड इक्वेशन रख के हम निकाल लेंगे, तो हम क्या करते हैं 1 बाई 3 करते हैं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 की वैल्यू 20 बाई 25 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 1 बाई 220 इंटू और टेम्परेचर कितना था 20 डिवाइडेड बाई आर नॉट 1 प्लस 1 बाई 220 इंटू टेम्परेचर टी थ्री की वैल्यू निकालनी, आर नॉट से आर नॉट गया, ये होगा 4 बाई 5 हो जाएगा, 4 बाई 5 इज इक्वल टू ये 0 से 0 गया 1 प्लस ये 2 से 11 1 बाई 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये कितना होगा टी थ्री 1 प्लस टी 3 अपॉन 220, ये होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टी थ्री की वैल्यू निकालनी है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, 4 इंटू 1 प्लस टी 3 अपॉन 220 इज इक्वल टू 5 इंटू ये 12 बाई 11 करेक्ट है, इसको 4 से अंडर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस, नेक्स्ट पेज पे कर लें क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, कैलकुलेशन लंबी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये 4 इंटू 1 प्लस टी 3 बाई 220 इज इक्वल टू, और लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में 5 इंटू
5 इंटू 12 बाई 11, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, 4 इंटू प्लस 4 प्लस 4 इंटू T3 बाई 220 इज इक्वल टू 60 बाई 11, ठीक है। अब 4 से ये कटेगा 5 टाइम, 55, 4 प्लस T3 बाई 55, ठीक है, इंटू 60 बाई 11, 4 उधर चला जाएगा T3 बाई 55, 60 बाई 11 माइनस 4, ये 60 माइनस 44 बाई 11, ये कितना हो जाएगा 16 बाई 11 इंटू 55 इंटू 55 T3, ये 5 टाइम गया, ये 80 हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस, T3 की वैल्यू 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा आपका 25, 80 डिग्री सेल्सियस है ऑप्शन में, हाँ है डी वाला ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।